कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी इस वक्त खुलकर अपने विरोधियों का सामना कर रही है और उनको मुंहतोड़ जवाब भी दे रही है। उसी कड़ी में उन्होंने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी अपने निशानों पर लेते हुए उनके सवालों पर करारा जवाब दिया है। आखिर क्या था मामला और क्या कहा प्रियंका ने, देखे ये रिपोर्ट। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पार्टी को मजबूत करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रही है और विरोधियों का जमकर सामना भी कर रही है। ऐसे में प्रियंका ने यूपी के सीएम योगी के एक बयान का पलटवार किया है। प्रियंका ने सीएम योगी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि योगी सरकार जानने वाली है, बीजेपी नेताओं में आपस में टकराव है। योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच टकराव है, जबकि मैं तो अपने भाई राहुल गांधी के लिए जान तक कुर्बान कर सकती हूं। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए दोनों भाई बहनों के बीच आपसी विवाद की बात कही, जिस पर अब प्रियंका का पलटवार आया है। योगी आदित्यनाथ के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं अपने भाई के लिए अपनी जान दे दूंगी और मेरा भाई भी मेरे लिए अपनी जान दे देगा, तो विवाद कौन सा। योगी आदित्यनाथ के मन में विवाद है। लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच में जो विवाद चल रहा है, उसकी वजह से वो कह रहे हैं। यानी प्रियंका गांधी के बयान से साफ है कि प्रियंका ने सीएम योगी को मुंहतोड़ जवाब दे दिया है। इससे पहले योगी के ट्वीट पर उत्तर प्रदेश की कांग्रेस इकाई ने भी पलटवार करते हुए ट्वीट कर कहा था कि गलती इनकी नहीं है, उत्तर प्रदेश के बहनों भाइयों, पहले चरण का झटका गहरा लगा है, असर 10 मार्च तक रहेगा, ऐसी अलल बलल बातें करते रहे तो इन्हें माफ कर देना। हालांकि चुनावों के चलते इस तरह की बयानबाजी होना आम बात है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि चुनाव आते ही बीजेपी की तरफ से उलझुल बयान आना तेज हो गया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।